ला बॉल, वाह ना, खा ले तू, लड़ो भाई, इसे लाइक भी करें और फॉलो भी करें एंड कमेंट मारें इसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हबी ब्रांड, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग आपको दिखाऊंगा मैं कि पार्ट टाइम में जब मैं घर होता हूँ, एकेडमी नहीं जाता तो क्या करता हूँ। आज मैं एकेडमी से मैंने छुट्टी की है क्योंकि हमारा एक घर हमने लिया हुआ है टेम्परेरी तौर पर साहिवाल, उधर मेरे कजन वगैरह मेरा भाई वहाँ पर पढ़ते थे, तो इसलिए हमने वो वहाँ पर एक घर ले लिया कि सर्दियों में आना जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अभी हमने वो घर है उधर से जो सामान था वो सारा वापस ले आया है, इधर शिफ्टिंग की है, तो इस वजह से आज मैंने एकेडमी से छुट्टी की, उधर बिजी था। तो अभी तकरीबन फारिग हो गया हूँ हर चीज़ से, तो अभी जाने लगा हूँ। हमारे एक पास गेम खेलते हैं हम, एक से कहते हैं बाटा वाली बॉल, पार्ट टाइम में थे वो खेलने जा रहा हूँ। अब जा रहा था तो रास्ते में मेरे कज़न का ये बाग है अमरूदों का, तो इधर से एक आध अमरूद तोड़ने लगा हूँ, खाने के लिए भूख लग रही थी तो सोचा कि मैं अमरूद तोड़ने लगा था। तो मेरा कज़न बोला कि बाग के मालिक को भी दिखाना है अपनी वीडियो में, अभी उसको भी दिखाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरा कज़न जो कह रहा था कि ये मेरे कज़न हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनके ये अपने जानवर हैं सारे, जिनको चारा डाल रहा है, यही कह रहा था कि इस बाग के मालिक को भी दिखाना। शेर होना कार मुँह, ये देखें जी, ये इनके अपने जानवर हैं सारे। वो ग्राउंड पहुंचे हैं अभी, तो ग्राउंड में कोई भी नहीं था, ये किस्म का हमारा छोटा सा ग्राउंड हमने बनाया होता है स्पेशल, नेट भी नीचे गिरा हुआ है। तो अभी लड़के इकट्ठे होने, अभी सबको इकट्ठा करना पड़ता है, पड़ेगा तो उसके बाद ही हम खेलेंगे। ये हमारा छोटा सा ग्राउंड है, इसी में हम बाटा वॉलीबॉल खेलते हैं, अभी थोड़ी देर में निकलना है। मैं और मेरा कज़न अभी जा रहे हैं, अब साथ ही आगे मेरे कज़न आ रहे हैं, उनका घर है, उनको बुलाने। तकरीबन जब हम खेलते हैं तो सारे कज़न ही होते हैं, कोई मतलब हमारे रिश्तेदारों में से कोई और नहीं होता, सारे कज़न ही होते हैं। अभी सभी को इकट्ठा करना पड़ेगा आज मुझे, सबको इकट्ठा करके फिर ही खेलने के काबिल होंगे। बॉल में हवा कम थी, ये देखिए किस तरह से प्लेयर्स ये सारे कजन थे मेरे, सारे रिलेटिव में। तेरा गंजड़ा कहाँ की था? गंजड़ा लाठे मारी खड़ा था। गंजड़ू कहाँ की था? गंजड़ू गंजड़ू ये गंजड़ू तेरा कहाँ की था? गंजड़ू तो सेकंड थे तो वो भी गया। खा ले
तकरीबन शाम हो चुकी थी तो दो मैच खेल रहे थे। पहला मैच हम जीत गए, दूसरा मैच अभी ड्रा हो गया है शाम होने की वजह से, तो अभी घर जाने लगे हैं वापस। तकरीबन मेरी यार वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, तो आज मैंने सोचा कि आपको एक गेम दिखाता हूँ, बाटा वॉलीबॉल। ये तकरीबन आम गांव वगैरह में खेली जाती है, लेकिन शहरों में इसका इतना मकबूल नहीं है जितना ये दूसरी गेम्स है, जैसे कि क्रिकेट वगैरह, हॉकी, फुटबॉल, लेकिन इसका इतना कोई मतलब फेम नहीं है। पर हम खेलते हैं जस्ट फॉर फन, इसमें बड़ा मज़ा आता है, सारे कज़न होते हैं। अभी माह रमज़ान आ रहा है, तो माह रमज़ान में हम लोग ने शाम को कोई साल गाना है, क्योंकि सुबह के वक्त होते हैं रोज़े, तो उस वक्त हम खेल नहीं सकते। ये मेरा कज़न है, सुबह के वक्त रोज़े होते हैं तो हम सुबह खेल नहीं सकते, तो शाम के लिए अभी लाइटिंग का कोई हिसाब लगा रहे हैं कि भाई इसे लाइक भी करें और फॉलो भी करें एंड कमेंट मारें, इसे सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब भी करें। अभी वापस जा रहे हैं घर को, इंजॉय किया है कि आज एकेडमी से छुट्टी की थी, तो घर तो मुझसे फारिग बैठा नहीं जाता, तो उम्मीद है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।